नमस्कार प्रणाम, मैं हूं अमरीश सिंह और मैं बता दूं जिस प्रांगण में खड़ा हूं, जो कि एक स्कूल है जिस स्कूल का नाम है दिलीप गुलाटी जी, आज वहां पे एक हैप्पी वाला बर्थडे मनाया जा रहा है जिसका शख्स का नाम है संजय भूषण पटियाला। मैं इस शख्स को उस दिनों से जानता हूं जब मैं कुछ नहीं था, लेकिन ये बहुत कुछ थे, कईयों का अवार्ड अकेले उठाते थे। तो दिल से मैं बोलूंगा कि मैं इनको कई ऐसे अवार्ड शो में देखता था, ये शख्स कौन है, सबका खेसारी जी का, कभी पवन जी का, कभी दिनेश जी का, कभी इसका अवार्ड ले रहा है। उस शख्स को आज मैं जान पाया कुछ दिनों बाद, कि ये शख्स छोटा मोटा नहीं है, ये अवार्ड के लिए पैदा हुआ है लोगों का, और लोगों तक पहुँचाना और लोगों तक दिलाना और लोगों तक उस स्तर तक पहुंचाना, तो ये हमारे पीआरओ संजय भूषण पटियाला, मैं इन्हें दिल से धन्यवाद करता हूं और दिल से हैप्पी वाला बर्थडे करता हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे भोजपुरी के और हिंदी के, मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री के, लेकिन विलेन के साथ रह कर भी खुशी की बात है, अच्छी बात है। हमारे संजय भाई का आज जन्मदिन है और देखिये इत्तेफाक देखिए, और सही कहे, अगर किसी चीज को हम दिल से चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं, तो मिलना जरूरी है, मिलना लाजमी है और मुलाकात होना जरूरी है। देखिए हम अचानक आए, बर्थडे था, भाई को मैंने विश किया, भाई ने बोला कि अभी आप यहाँ पे आइए, फिर गुलाटी सर ने कॉल किया, बिल्कुल आइए। तो आज मेरे भाई का जन्मदिन है, मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से भाई शिद्दत से लगे हुए हैं, जिस तरह से अपना ये काम करते हैं, आज भोजपुरी इंडस्ट्री, उसके अलावा हिंदी इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो इनको नहीं जानते होंगे ड्यू टू इनका शिद्दत से काम। तो मैं कहता हूं कि जो आदमी शिद्दत से काम करता है, कामयाबी जरूर मिलती है, और मैं यही चाहूंगा कि इसी तरह आप काम करते रहिए। और एक बार और ये कहूंगा कि आप हमेशा ऐसी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना जिंदगी का सबसे बड़ा, स्वस्थ रहने तो मार मार के सबको तोड़ देते हैं। अभी अभी तो उस टाइप की फिल्में भी गई, अभी तो अभी मैं बाजू में खड़ा, मुझे डर लग रहा है कहीं निकाल लो। नहीं नहीं मैं नहीं मारता नहीं हूँ, लेकिन जो गलत करता है उसको छोड़ता भी नहीं, सही बात है। लेकिन आज ये माहौल है, पर्दे पे सामने हकीकत है, सही बता। और आज से ही बता रहा हूँ कि आज बहुत खुशी के दिन है कि आज हमारे संजय भाई का जन्मदिन है। ईश्वर कर ले, अल्लाह करे कि ऐसी ये हमेशा मुस्कुराते रहे और दिन दुनी राज चौगुनी तरफ मुझे इसके लिए लव यू। बेलू सर क्या कुछ बोलेंगे? बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बहुत ही प्रिय मित्र संजय भूषण पटियाला जी का जन्मदिन है, और ये सच है कि मैं भी इनको बहुत समय से, बहुत लंबे अंतराल से जानता हूँ। जब मेरे करियर की शुरुआत थी, जब इनके करियर की शुरुआत थी संजय जी की, पटना से जानता हूँ, और धीरे धीरे इनको आगे बढ़ते हुए देखा, मेरा भी सफ़र आगे बढ़ा और इनका भी। और सबसे खास बात यह है कि बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बहुत मिलनसार है और सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। बहुत सारे कलाकारों को, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को इन्होंने बहुत हेल्प किया है और बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों के साथ जुड़े रहे, और मैं इतना जानता हूँ जिस भी परिस्थिति में रहे सिनेमा, अच्छे सिनेमा के बारे में सोचते हैं, और भोजपुरी सिनेमा के लिए तो हमेशा से ये अच्छा ही बेहतर सोचते आए हैं। और ये अच्छी बात है कि अभी हिंदी की बड़े बड़े फिल्में कर रहे हैं और आगे ऐसी ही आगे बढ़े, ये शुभकामना देता हूँ। मैम आप क्या कुछ बोलेंगे? बस संजय भैया को हम बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामना देते हैं। इज वेरी हार्ड वर्कर और सबको जीरो से हीरो बनाते हैं,
क्या बात है। और हमारे नेक्स्ट फिल्म कहीं तो नहीं है। जन्मदिन मुबारक। दिलीप सर फाइनली आप। दिलीप जी उस फिल्म का हीरो है। मैं सर जय माता दी। संजय भूषण जी को मैं मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 10 साल होने आए मैं एसोसिएटेड हूँ और संजय जी भी मेरे साथ एसोसिएटेड है। और जब पहले दिन जो मैं मिला था जो घंटी बजी थी वो यहाँ की घंटी बजी थी और वो आज तक बरकरार है। सच अ नाइस पर्सन, सच अ कोऑपरेटिव, इतने कोऑपरेटिव है, इतने समझदार हैं और ऑलवेज स्माइलिंग। और मैं समझता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर आप पहचानते हैं, कुछ एक्टरों की वजह से पहचानते हैं और कुछ डायरेक्टरों की वजह से पहचानते हैं, कुछ मेकर्स की वजह से पहचानते हैं, लेकिन संजय भूषण हिमसेल्फ एक ऐसी पहचान है जिसकी वजह से लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को पहचानते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। सच अ बिग पर्सनैलिटियाँ ये इन सब के ऊपर हैं और मैं प्रे करता हूँ और मुझे बस दिल में सवेरे सवेरे ऐसे हुआ कि वो मेरे साथ काटे हैं, मेरे यहाँ से इच्छा थी और वो आए तो मैं बहुत खुश हूँ। और जो लोग साथ में जुड़े हैं, जो लोग उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं बहुत हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ। संजय भाई आप क्या कुछ बोलेंगे, काफ़ी लोग आपको प्यार कर रहे हैं। सूर्या भाई बोलेंगे मेरा भाई। जी संजय भाई बॉम्बे जब से आए हैं तब से मेरे मित्र हैं। सूर्या भाई ने पहली फिल्म की थी ससुराल वाला पैसा वाला और उसमें मनोज तिवारी जी और ये पहली बार लॉन्च हुए थे भोजपुरी इंडस्ट्री में। वैसे तो ये कई बहुत पहले लॉन्च हो चुके थे लेकिन वो इनके लिए बहुत बड़ी फिल्म थी और तब से मैं इनको जानता हूँ। अभी मेरे साथ मेरी 12 साल उम्र। मेरी विशेष ये है कि अभी जैसे इन्होंने भोजपुरी में अपना धंधा गाड़ा है और नंबर वन रहे हैं पिछले 10 साल से, अब हिंदी में भी अपना धंधा गाड़े और नंबर वन पे रहे। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। मैं ज़्यादा क्या पूछूँ, जो कहना था सबने कह दिया है। मगर मैं ये कहूँगा कि मैं जितने दिन से भी मैं इनको जानता हूँ संजय जी, इनका स्वभाव, इनके विचार, इनकी बातें, इनके जो भी इनके बात विचार हैं, ये वाकई में कभी जो है आपको लगेगा नहीं कि ये एक पीआरओ है। पहले तो दिखते नहीं हैं। जब मैंने इनका नाम फर्स्ट टाइम देखा था कि संजय भूषण पटियाला, तो मुझे लगा ये कोई होंगे ऐसी जो होते हैं वो स्वायर या मैं हूँ बाकी क्या है। लेकिन जब इनसे पहली बार मिला और पहली बार जब हमारी इनकी मुलाकात हुई कि भाई मैं सुनील झा और ये भूषण जी हैं, प्यारो हैं, इनके बातों से मुझे लगा कि ये वाकई में जो इनका नाम इतना लिया जा रहा है कि ये नंबर वन पे है, नंबर वन पे क्यों है, इनका वर्क स्टाइल है, इनके बातों का अपना जो तरीका है, जो अपने जो इनके जज्बा जो रखते हैं औरों के लिए या अपने बारे में या आपके बारे में, तो इससे समझ में आया कि अगर जो भोजपुरी के लोग जो आज यहाँ से यहाँ तक आए हैं, जिनको ये लेकर आए हैं, तो यूँ ही लेकर नहीं आए हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी तरफ से इनको यही बेस्ट विशेष है कि जिस तरीके से ये पिछले 10 साल में यहाँ से यहाँ तक आए हैं, तो आने वाले वक्त में यहाँ से यहाँ तक आए, ना ही भोजपुरी में बल्कि हिंदी भी और साउथ में। मैं साउथ के लिए भी प्रे करूँगा कि आप वहाँ भी जो है नंबर वन पर जाएँ, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हिंदी के साथ साथ। तो ये तीनों जगह है। अभी मैं तेलुगु, तमिल, मलयालम मिला के 10-12 फिल्म। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर। हाय नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, छपरी यादव। आज मुझे मतलब दिलीप नहीं था कि मैं सर से मिलूंगा, क्योंकि सर मैं जब स्ट्रगल टाइम पे था, शुरू में जब 2012 में आया था तो भैया से मिला था, भैया को याद होगा। और काफ़ी समय से हम लोग स्ट्रगल करते थे तो उसमें वो हेल्प करते थे कि यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ये फिल्में बन रही है, वो फिल्में बन रही है। भैया के मैं घर पर भी जाता था तो एक मंटू लाल जी थे, उनके थ्रू इनसे मिला था और तभी से आज तक दोस्त है, बचपन का दोस्त है, पुराने दोस्त हम लोग बहुत, और एक ऐसा मिलनसार आदमी है कि इनकी तुलना हम बातों से कर ही नहीं सकते। एक दिल से जुड़ा हुआ आदमी, जब भी कुछ कहता है दिल से कहता है, नहीं तो नहीं कहता है, बात खत्म होती है। आज में हम लोग तो बहुत प्यार मिला और दिलीप जी, कमल जी, अमरीश सिंह जी, सूर्या भाई, अजीत भाई, सुनील भाई, हमारे उपेंद्र जी, विष्णु शंकर बेलू जी, तमाम हमारे अयाज भाई जो आए हुए हैं, सबने हमको विश किया जन्मदिन के लिए, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमारे प्यार देते रहे, बुला देते रहे, मैं आगे हम लोगों का सेवा से बढ़ता रहा। थैंक यू सो मच।